दोस्तों आज के वीडियो में आपको WhatsApp के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों WhatsApp में एक नया फीचर आ चुका है। अब आप किसी को भी WhatsApp में वीडियो मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, आप यहां पर WhatsApp में देख सकते हो, मैं आपको WhatsApp ओपन करके दिखाता हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मैंने WhatsApp पर वीडियो मैसेज भेजा हुआ है, यानी वीडियो मैसेज का फीचर WhatsApp में ऐड किया गया है। अब आप डायरेक्ट वीडियो को रिकॉर्ड करके दोस्तों आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का वीडियो मैसेज सामने वाले को रिसीव होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक WhatsApp को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको करना है WhatsApp को अपडेट। आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां से WhatsApp को अपडेट कर लेना है। ठीक है, आपको यहां से WhatsApp को अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो अपडेट का ऑप्शन हमें मिल रहा है, आपको यहां पर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको इस तरह WhatsApp को अपडेट कर लेना है। दोस्तों जब तक आप WhatsApp को अपडेट नहीं करोगे आपके WhatsApp में ये फीचर नहीं मिलेगा, आप इस न्यू फीचर को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरह आपको WhatsApp को सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। ओके, WhatsApp को ओपन करने के बाद आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर को ओपन करना है जिसको आप वीडियो मैसेज भेजना चाहते हो, जिसको आप वीडियो मैसेज करना चाहते हो। ठीक है, आपको उस बंदे को ओपन करना है, उसका कॉन्टैक्ट ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक माइक का बटन मिलेगा, यानी एक माइक्रोफोन बना हुआ आपको राइट साइड में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर एक क्लिक करना है, आपको एक बार इस पर टैप करना है। दोस्तों जब आप इस पर एक बार टैप करोगे यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग का आइकन शो होगा, आप देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग का आइकन शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहां पर लॉन्ग टैप करना है। अगर आप सिंगल टैप करोगे दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, माइक का बटन फिर से आ जाएगा। ठीक है, जब आप माइक के बटन पर एक बार टैप करोगे दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग का आइकन आपको शो होगा। अब आपको यहां पर लॉन्ग टैप करना है, जब आप इस पर लॉन्ग टैप करोगे ठीक है ये 3 सेकंड का पॉपअप चलेगा, फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां पर 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को भी मैसेज में भेज सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जब आप इसको छोड़ोगे। ठीक है, जो आपने टैप कर रखा है जब आप इसको छोड़ोगे आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक सामने वाले के पास सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप लॉन्ग टैप करके वीडियो को रिकॉर्ड करके किसी को भी WhatsApp पर भेज सकते हो। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो, आप नहीं भेजना चाहते हो, तो आपको ऊपर साइड इस तरह स्वाइप अप करना है। आप जब स्वाइप अप करोगे तो दोस्तों आपको यहां पर सेंड का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट रहेगा। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से अपने वीडियो को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेंड पर टैप करोगे आपका वीडियो सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप इस नए फीचर को यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं, अब हम ऊपर स्वाइप अप करते हैं। ठीक है, आपको यहां पर पॉज का भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग को पॉज करना चाहते हो तो आपको इस पर टैप करना है, दोस्तों ये पॉज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो वीडियो है वो उसी पर पॉज हो जाएगा, उसी पर रुक जाएगा, जब आप इसको चाहो तब सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप इस नए फीचर को WhatsApp में यूज कर सकते हो, WhatsApp पर किसी को भी वीडियो मैसेज भेज सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।